क्या आप लोग जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति एंटोन लेवे जो शैतान को पूजता था, जिसने शैतानी बाइबल लिखी, जिसने सबसे पहले शैतानी चर्च की स्थापना की, उस व्यक्ति ने मरने से जस्ट पहले कुछ ऐसा कहा जिसने शैतान के पुजारियों को दहला दिया। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं ऐश गैंग टीवी। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। तो एंटोन लेवे का पूरा नाम एंटोन जेंडर लेवे है। इसका जन्म हुआ था अप्रैल 11, 1930 को। एंटोन लेवे जो है सबसे पहला उच्चतम पंडित था, यानी हाई प्रीस्ट था, जो पहला शैतानी चर्च है उसमें ये एक पंथ भी चलाता था, साथ में ये शैतानी बाइबल लिखने वाला पहला व्यक्ति था, ऑथर था, और ये फाउंडर था लेवे सेटेनिज्म का। ये फिलोसोफर भी था, फिलोसफी बांटता था लोगों को अपने फिलोसफी से मेटेरियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म सिखाता था, यानी संसारिक चीज़ों को कैसे पाना है, ये सब चीज़ें शैतानी शिक्षा के द्वारा सिखाता था। और इसका देहांत हुआ अक्टूबर 29, 1997 को। और मरते वक्त इसने क्या कहा वो हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि शैतान के ये पुजारी किस तरीके से आपस में बातचीत करते हैं। Army bases have become sanctuaries for devil worshippers. And the graffiti 666, the sign of the devil over here, a bloody skull and crossbones. तो ये शैतान के पुजारी आपस में बात करने के लिए दीवारों में ग्रिफिटी बनाते हैं। ग्रिफिटी मीन्स कुछ ना कुछ लिखते हैं स्प्रे पेंट से। आपस में बात करना मीन्स एक दूसरे को मैसेज देते हैं ऐसे लिख के। Interesting thing about this pentacle is it's an upright pentacle. Let me see. It's actually fairly fresh. This is how gangs talk to each other. Okay? But now this is how occultists talk to each other. This here is a psilocybin mushroom. So probably they had a psilocybin ritual. तो एक पास्टर हैं जिनका नाम है माइक। पास्टर माइक प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले शैतान के पुजारी थे, और कोई ऐसे वैसे पुजारी नहीं, वे भी हाई प्रीस्ट थे, सबसे बड़ा पंडित। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में वे शैतान के पुजारी किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लोगों को भरमाने के लिए और उन पे जादू टोना करने के लिए, ये बात बताते हैं। Scar here on my wrist where my friends used to cut my arm open and bleed my blood into a cup and drink it mixed with wine and urine 4 times a year as a ceremony to say. तो यहाँ पर पास्टर माइक का कहना है कि जब वो शैतान की पूजा किया करते थे तो उनके मतलब शैतानी चर्च में एक रिचुअल होता है। वो रिचुअल ऐसा है कि वाइन होता है ना, वाइन लेते हैं शैतानी चर्च में, और वाइन के अंदर क्या क्या करते हैं, एक बंदा अपना हाथ काट के उसमें खून डालेगा कुछ बूंदे, ओके, फिर दूसरा बंदा भी काट के अपना हाथ काट के कुछ खून के बूंद डालेगा उस वाइन में, और उसको मिक्स करते हैं और वो आपस में खून पीते हैं, हाँ, मिक्स करके खून की वाचा बोलते हैं ना, खून की वाचा या खून का प्रॉमिस, ब्लड प्रॉमिस बांधा जा सके कि वो शैतान को फॉलो करेंगे। ये एक शैतानी रिचुअल है, ओके, शैतान के लोग ऐसा करते हैं, शैतान को पूजने वाले। और यही चीज केवल शैतान के चर्च में नहीं, आज परमेश्वर के डुप्लीकेट चर्च में हो रहा है। आपको विश्वास नहीं ये देखिए, तो यहाँ पर ये पास्टर यानी झूठा पास्टर, ये आबालाबा सभा वाला है, इसको भूलना नहीं है आप, ठीक है, ये आबालाबा सभा वाला झूठा पास्टर यहाँ पर ये बिल्कुल शैतान के पुजारियों जैसा वाइन के अंदर अपना अपना लहू डाल के मिक्स करके ये लोग आपस में पियेंगे अभी, मैं दिखाऊंगा आपको। और ये बोल रहा है कि यीशु मसीह ने कहा था ये मेरा लहू है, जो अंगूर के रस को यीशु मसीह ने कहा था, इसको तुम चिन्ह के रूप में पीना बोला था उसके, ठीक है, यीशु मसीह ने अपना खून और अपना खून नहीं डाला था अंगूर के रस के अंदर, लेकिन ये लोग
क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शैतान के चर्च के जैसे अपना और ओरिजिनल लहू डाल रहे वाइन के अंदर और उसे मिक्स करके पी रहे हैं। बाइबल में ठीक लिखा है कि भेड़ों की खाल में भेड़िए होंगे वो। Now we've mixed our blood. दूसरा तरीका शैतान का काम करने का संगीत है, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ। और जब ये बात कि शैतान का जो संगीत है उसमें कुछ शब्द, कुछ मैसेजेस, कुछ संदेश छिपाए गए होते हैं ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाए, और जब ये बात 1982 में टीनेजर्स को पता चली अमेरिका में, तो उन्होंने क्या किया? In May of 1982, teenagers of a congregation in Topeka, Kansas, destroyed thousands of dollars worth of records and tapes, which they felt contained the message of Satan. The Christian Concern sheds light on a more secular aspect of music listening. It's what you don't hear. Certain parts of the men's uniforms all accentuate the genitals of a male. तो ये म्यूजिक रिकॉर्ड का कवर है, उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से म्यूजिक बनाने वाले जो सिंगर्स हैं उनके जो कपड़े अगर हम ध्यान से देखें तो जानबूझ के जो लड़कों का गुप्त अंग है उसमें ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, ताकि जब भी कोई लड़की इन्हें देखे तो जो लड़कियों का जो ध्यान है वो नीचे की तरफ जाए। और ये म्यूज़िक रिकॉर्ड में इसीलिए ऐसा दिया है ताकि जब भी कोई लड़की किसी लड़की को देखे तो उसका ध्यान लड़के के पैंट की तरफ जाए, नीचे की तरफ जाए, ओके, पहला नजर उसका उधर ही जाए। Faceless creatures in robes that to me would from my study certainly symbolize druids, which of course go back to Satan worship. In the blood stains there is very definitely, without any shadow of a doubt here, a face of Satan. और ये दूसरा रिकॉर्ड हम देख सकते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे जानवर या इंसान ऐसे कुछ बना हुआ है जिनका चेहरा नहीं है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ खून के धब्बे हम देख सकते हैं, और अगर इस खून के धब्बे को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें शैतान का चेहरा साफ साफ दिखता है। तो ये सब म्यूज़िक रिकॉर्ड के कवर के ऊपर बने हुए पोस्टर हैं। Most people don't realize that 80% of all toys on the market have a cultic influence, and these are the most popular. It says here that it actually makes the wings move. So let me look at that. Isn't that amazing? Remember those verses in the Book of Revelation? खिलौने, आपके बच्चे जो खिलौने खेलते हैं, उसमें से कई सारे खिलौने ये शैतान के पुजारी डिजाइन करते हैं। और ये जो खिलौना है इसे लिया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से। About the flying beast with the riders on them. This could actually be taken from Revelations. You notice that they're depicted as blue with black lips. Well, isn't that interesting? And you know what happens to you when you die? You turn blue and your lips turn black. यहाँ पर एक व्यक्ति संगीत में छिपे संदेशों को बता रहा है, और ये जो संगीत में छिपे संदेश हैं, इसे केवल उल्टा अगर चलाएंगे तभी सुना जा सकता है, जिसे कहते हैं back masking. Now I've reverse thread the machine and I'm going to play that exact piece of tape backwards now. Okay. I live with Satan, exactly. And it, then you'll hear there's power in Satan. There's power in Satan. You give the girl feeling your sensation. He will give you 666. Yeah. देखिए, जो शैतान का हाई प्रीस्ट है, उसने मरते वक्त क्या कहा? ये चीज और ये सारी चीजें जो अभी हमने देखी, शैतान के पुजारी लोग किस तरीके से काम करते हैं, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, क्योंकि इन सब की शुरुआत हुई है पहले, सबसे फर्स्ट शैतानी चर्च से, जिसका उच्च पंडित यानी जिसका हाई प्रीस्ट था एंटोन ज़ैंडर लेवे। एंटोन ज़ैंडर लेवे ने अपनी पूरे जीवन में शैतान की पूजा की, ये सोचते हुए कि जब वो मरेगा तो शैतान के साथ नर्क में पार्टी करेगा, इंजॉय करेगा, शैतान का सेनापति बन के रहेगा। लेकिन जब मृत्यु, वो अपने डेथ बेड में था, यानी वो मरने से बस कुछ ही पल अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था, तब उसने कुछ ऐसा देखा मरने से पहले, और उसके आसपास के लोगों ने कुछ ऐसा सुना। वो शब्द क्या थे? ये थे
is a little bit off subject, but the same kind of principle. I heard that, and I won't mention his name, but it was a big leader and founder of a huge satanic organization. On a TV talk show, I can assure you, Satanism is here to stay. To the detractors or the accusers or the people of the other side, I would say that they would make ideal human sacrifices, Jehovah and Jesus and all that. And I tried it. Oh, Lord knows I tried it, but it didn't work. And so I thought to myself, well, a lot of gobbledygook. If I'm going to call up any demons, if I'm going to get any magical power, if I'm going to get anything going my way, I better get on the side of those guys instead of protecting myself from them. And he was on his deathbed, and for a Satanist at the time of death, it's a great victory for them, because death is a huge thing that they celebrate. And he was getting ready to die and pass on his powers and that, and on his deathbed he must have got some revelation or an angelic appearance or something, and he went into shock and he said, Oh my, what have I done? He said, there's something very wrong. There's something very wrong. There's something very wrong. Wow. And his whole life had been spent propagating these satanic beliefs, getting everyone to believe, establishing official organizations for Satanism. And then at the end of his life, he gets this, this light that comes to him, and everything that he'd built, he realized was wrong. तो यहाँ पर जो एंटोन लेवे है, जो सबसे पहला शैतानी चर्च का पहला हाई प्रीस्ट था, ओके, उच्च स्थान का पंडित था, ये व्यक्ति मरने से पहले अपने डेथ बेड में था, यानी मरने से जस्ट कुछ पहले, तो इसे कुछ ना कुछ तो दिखा. ये जो स्त्री जो बोल रही है ना, ये इसकी बहुत ही क्लोज की दोस्त है. तो ये स्त्री बता रही है कि उसने भी सुना कि जब एंटोन लेवे मरने वाला था तो वो टोटली शॉक में चला गया कि ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया. क्यों वो शॉक में क्यों था? क्यों? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ देखा, या स्वर्गदूत देखा, या कोई ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ देखा जिसने उसे बताया मरने से पहले कि जो तू मानता था, कि क्योंकि शैतान के लोग मानते हैं, मतलब शैतान को पूजने वाले लोग मानते हैं कि मतलब जो शैतान की पुजारी है वो मृत्यु को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मरने को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है शैतान के पुजारियों का कि मरने के बाद में उन्हें शैतान शक्तियां देगा, जो दूसरा जीवन है उसमें, और उन्हें कोई अच्छा एक उपाधि देगा. लेकिन जब उसने कुछ ना कुछ तो देखा, या रोशनी देखा, या स्वर्गदूत को देखा, क्या देखा हम नहीं जानते, लेकिन वो एकदम डेथ बेड में अपने मृत्यु के बेड में था वो, तो वो बोल रहा था, ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, कुछ तो बहुत बुरा है, कुछ तो बहुत बुरा है. अभी इस व्यक्ति ने, जो कि सबसे पहला शैतानी चर्च का सबसे पहला हाई प्रीस्ट था, ये व्यक्ति ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को शैतान को पूजना सिखाया. अभी जब ये मर रहा है तो उसको शक्तियाँ वक्तियाँ तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसने ऐसा देखा जिसने ये बात उसे पता चल गई मरने से जस्ट कुछ सेकेंड्स पहले कि परमेश्वर है. तू जो मानता था ना कि परमेश्वर नहीं, वैसे ये व्यक्ति पहले यीशु मसीह को मानता था, आपने सुना होगा, और यहोवा परमेश्वर को भी मानता था, पिता पुत्र परमेश्वर को मानता था ये व्यक्ति, लेकिन उसके लिए काम नहीं किया. कहने का मतलब है, उसके जीवन में उसको कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उसको शक्तियाँ चाहिए थी, तो इस वजह से उसने परमेश्वर को छोड़ दिया. और अंत में वो, उसने जब देखा कि परमेश्वर सच में है, कुछ ना कुछ तो ऐसा सबूत परमेश्वर ने उसे जरूर दिया होगा जस्ट मरने से कुछ पहले, तभी उसने कहा कि ओ नहीं, ओ माय, व्हाट हैव आई डन, मतलब और अरे नहीं, ये मैंने क्या कर लिया अपने जीवन के साथ. कहने का मतलब ये है. तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर यीशु को जानते हो या नहीं, हाँ, लेकिन क्या आप उसे मानते हो, वो सबसे मेन चीज़ है. दूसरी बात, अगर आप अपना जीवन कैसा जीवन जी रहे हैं, ज़रा उस बात पे ध्यान दीजिए. क्योंकि आप एक बार इमेजिन कीजिए, आप भी मरने वाले हो, आपकी बस कुछ चंद सांसें बाकी हैं, और मरने से जस्ट कुछ पहले जब आप सोचेंगे अपना जीवन कि मैंने कैसा जीवन जिया,
तो कहीं आपको भी ना कहना पड़े कि ओ नहीं, ये मैंने कैसा जीवन जिया, मैंने क्या किया, क्योंकि अब आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। तो सावधान रहिए आप कैसा जीवन जीते हैं। ये मैसेज सबके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की। सोचिएगा जरूर कैसा जीवन जी रहे हैं आप। परमेश्वर सब रिकॉर्ड कर रहा है।